यूथ स्पोकन फेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट डबल ट्री हिल्टन होटल गुरुग्राम दिस इवेंट. In this program, the children who wrote their books in the anatholic category this year, as well as motivating the people through the podcast. In this program, along with the public speaking competition, two co-author books were also launched, whose names are Little Things Matters and Rise. More than 50 youth speakers were awarded for their talent in word, voice and stories. Youth Spoken Fest group jury members Rajiv Narang, author Sherry, Akash K. Agarwal, Indu Tikku, along with eminent keynote speakers and guest of honors Major General Vikram Dogra, Dr. Shivangi Malia and Dr. Varun Katyal address the children all the best wishes to Priyanka Behel, डायरेक्टर एम्पावर किड्स. ये यूथ स्पोकन फेस्ट जो आज हो रहा है हिल्टन ट्री गुरुग्राम में, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि बच्चों ने ओरेटरी स्किल्स के ऊपर और स्टोरी टेलिंग के ऊपर, पोएम्स के ऊपर, प्रेजेंटेशंस के ऊपर, जो कि आना वाला कल है उनका, उसका फ्यूचर, मतलब वो बिल्कुल क्लियर है उनका, और वो चीज़ें वो आज स्टेज पर कर रहे हैं. उनके मेंटर को बहुत बहुत मुबारक, पर्ल बहल को, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है. उसके अलावा जितने भी बच्चे आए हैं अभी तक, हमने जितने बच्चों को एज अ जूरी जज करा है, एक से एक टैलेंटेड है. इतना बच्चों के अंदर टैलेंट है, हिंदुस्तान का फ्यूचर ब्राइट है. और मेरा जो मिशन है 1 मिलियन स्पीकर्स बाय 2030 क्रिएट करने का, जिसमें कि हम पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं और आगे जा करके बच्चों को ये हुनर देते हैं कि बच्चे भी आगे जा करके पब्लिक स्पीकिंग करें और अपने करियर में, लाइफ में ग्रो करें, ये चीज़ मैंने आज स्टेज पर इस पूरे प्रोग्राम में देखी है. तो एम्पावरमेंट किड्स पर्सनैलिटी स्कूल को बहुत बहुत मुबारक ऐसे बच्चों को तैयार करने के लिए और देश का नाम ऊँचा करने के लिए. बहुत होते हैं जी प्रोग्राम, हम भी करते हैं, लेकिन पता है क्या है, बच्चों को जब अवार्ड मिलता है ना स्टेज पर, बच्चों की खुशी देखने वाली होती है. और उनको आप एक बार ये बोलो कि ये आप अवार्ड जो आपको मिल रहे डिजर्व करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर चला जाता है. तो लो कॉन्फिडेंट बच्चों की हाई कॉन्फिडेंस में आ जाता है. और मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा ट्रेजर है. तो बच्चों को यहाँ जो मिल रहा है वो अनमैच्ड है. पर्ल बहल जी को बहुत बहुत मुबारक इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए. बच्चों के लिए बहुत एक्सक्लूसिवली काम कर रही है, मैं बहुत सालों से उनको वॉच कर रहा हूँ, उनका काम देख रहा हूँ. बहुत बहुत मुबारक. क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवांगी मलेटिया है और मैं एक साइको स्पिरिचुअल कोच हूँ भारतीय औरतों के लिए. आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सुंदर, यूथ स्पोकन फेस्ट इन अवार्ड्स 2021 प्रियंका बहल द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये बच्चों को, जो हमारे देश का फ्यूचर है, आने वाली जनरेशन है, उन्हें बहुत अच्छे रास्ते पर और अच्छे तरीके से अपनी एनर्जीज को यूज़ करना सिखाता है. बच्चे ज़्यादातर इतने ज़्यादा उत्सुक होते हैं, इतने ज़्यादा एनर्जाइजिंग होते हैं, एंड उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरह से अगर हम उनको रीडायरेक्ट ना करें उनकी एनर्जीज़ को, कई बार वो रास्ता भटक जा रहे हैं. जैसे आजकल स्पेशली कोरोना टाइम्स में, जब हर तरफ जाने आने जाने की पाबंदियां हैं, बच्चे घर में ही सीमित हो गए हैं. लेकिन प्रियंका बहल का ये जो इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी इन्होंने क्रिएट की है, इससे बच्चे ऑनलाइन ही अपने लैपटॉप्स पे, अपने फ़ोन्स पे खुद को एम्पावर कर रहे हैं, खुद को सशक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलना सीख रहे हैं, वो कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं, वो सुंदर आइडिएशन बाहर निकालना सीख रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एफर्ट, एंड ऐसे प्रोग्राम्स को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए और ज़्यादा हमें आगे बढ़ाना चाहिए. मेरा नाम राजीव नारंग है, मैं एक टेडेक स्पीकर हूँ और एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ. आज ये जो स्पोकन यूथ फेस्टिवल हो रहा है और अवार्ड्स यहाँ हो रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. आज की डेट में जितना यूथ बोलेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा. और प्रियंका बहल मैम ने जो ये प्लेटफॉर्म पैदा किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ जो शब्द हैं उनको नर्चर करती हैं, अपने सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको इतने बढ़िया तरीके से नर्चर करके इतना तैयार कर रही हैं कि, और साथ में ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो अपने मन की बात कह सकें, अपनी सक्सेस स्टोरीज बता सकें और अपनी सारी की सारी कहानियों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकें.
टिकट से बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। हाई, माय नेम इज इंदुचिको कोहली एंड टुडे आई एम हियर एज अ जूरी फॉर यूथ स्पोकन फेस्ट एंड अवार्ड्स 2021। It's a pleasure always to be a part of such prestigious platforms, and especially Priyanka Behl ka ye platform is like already, you know, I'm already mesmerized with the kind of talent, with the kind of innovation, ideas, personality. Itne chote chote bachcho ke andar itne bade bade ideas hai. Abhi se is umar mein hi these people are, you know, coming out with different content, different topics, and what phenomenal delivery they are giving. It's like outstanding. And जहाँ पे आपके अंदर वो हुनर है और अगर आपके अंदर वो बोलने की ताकत या बोलने का टैलेंट है, दैट कॉम्बिनेशन मेक्स यू, यू नो, स्टैंड अपाउट। क्योंकि इंसान को आता बहुत कुछ है, वो जानता बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो बोल ना पाए, दुनिया को बता ना पाए, यू और शी कैन नॉट ब्रिंग इट आउट इन द वर्ल्ड, देन वॉट इज़ द पॉइंट। बट सीइंग दीज यंगस्टर्स, सीइंग सच एन इमेंस टैलेंट ऑल टुगेदर, और खुशी इस बात की है, गर्व इस बात का है कि ये हमारा कल है, ये हमारा फ्यूचर है। And I feel so proud कि हमारा future इतने safe hands में है. So God bless them all and God bless Priyanka to organize such wonderful platform. And I'll be, you know, supporting her today and for my lifetime for such causes. Thank you so much. I think youth हमारे country का सबसे important part है. और जो हम अभी ये उनका आयोजन किया है, उनको felicitate किया है, उनके इनकरेज किया है, तो इनसे उनका हौसला बढ़ेगा और वो और भी प्रेरित होंगे बेटर करने के लिए। सर, दिल्ली में बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात देखने मिली है, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि 4-5 साल की उम्र के बच्चों को इसलिए स्टेज पर इसलिए धमाल किया है यहाँ पर। इस तरह के जब इवेंट होते हैं, जब इस तरह के बच्चों का हौसला बढ़ता है, स्टेज पर चढ़ते हैं, तो उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के आयोजन नहीं होते। बड़े लोगों को, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके लिए संभाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब बच्चे काम करते हैं और छोटे बच्चों को अगर हम उनको, यू नो, रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, उनको, यू नो, शाबाश नहीं देंगे, तो उनका हौसला नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक ये बहुत इंट्रोडक्शन और आज की बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज वार्तालाप करते हुए आपसे बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत सारी इंस्पायरिंग कहानियाँ देखने को मिल रही हैं। यूथ स्पोकन फेस्ट एक एनुअल अफेयर है जहाँ हम एम्पावर किड्स स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर आते हैं, जिन्होंने बुक्स लॉन्च की है, जिन्होंने पॉडकास्ट किए, जिन्होंने अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को सराहा है, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यूथ स्पोकन फेस्ट इस बार भी बहुत सारे स्पीकर्स, ऑथर्स और पॉडकास्टर्स लेकर आए हैं। हम लोग जर्नी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे यंग इन्फ्लुएंसर्स की, जो अपने शब्दों के द्वारा दुनिया में एक बड़ा ही प्यारा सा, प्रभावशाली सा चेंज लेकर आ रहे हैं। सो कहाँ से यूथ के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ और कहाँ से जी? क्या क्राइटेरिया इंडिया से ही थे फिलहाल। ये सारा कंपटीशन इंडिया बेस्ड था। मलेशियन स्टूडेंट्स का कंपटीशन मलेशिया में किया जाएगा, सिंगापुरियन स्टूडेंट का सिंगापुर में किया जाएगा। तो हमारे यहाँ लगभग ये 15 इवेंट्स होते हैं एक साल में, और हर कंट्री के स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं। बिकॉज ऑनलाइन इवेंट्स में भी हम इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कंट्री स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक और स्किल स्पेसिफिक बच्चे ही आपस में एक दूसरे को प्रभावित करें। एंड मोर लाइक इन अ कॉम्पिटिशन, इट इज़ अ स्पोकन फेस्ट, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ वर्ड्स, voices and feelings all over. So I feel blessed. और मुझे लगता है जितना भी मैंने सीखा अपने गुरुओं से, आज मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है उन सब बातों को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ शेयर करके। और इस जर्नी के दौरान जो इतना अपार प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, इतना ज़्यादा उनके सपनों को उड़ते हुए हम देख पाते हैं, आई थिंक वो बहुत सेटिस्फाइंग है। जी, इन लोगों की क्लासेस चलती है हमारे साथ सैटरडे संडेस में, फ्री लांसिंग सेशंस होते हैं इन बच्चों के। अदर देन दैट, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर भी और ग्रूमिंग वर्ल्ड में पेजेंट्स के साथ भी मेरे सेशंस चलते हैं। बट इन बच्चों की क्लासेस एक महीने में लगभग 8 घंटे की क्लासेस होती है। उन 8 घंटों में रैदर देन मैं इन्हें इंस्पायर करूँ, ये मुझे इंस्पायर करके जाते हैं। सो दे आर बिकम इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑथर्स, they become a published authors, published poets, they become speakers, they are influencing the world. And I think जब भी हम कभी किसी भी तरह की परेशानी में आते हैं, हम शब्दों की तरफ ही जाते हैं, हमारा रुख शब्दों की तरफ पहुँचता है। और बच्चों के इस प्रभावशाली मैसेज से, उनके लिखने के तरीक़ों से, उनके बोलने के तरीक़ों से, हम सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ये सब आप देख पा रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हुई है, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर वरुण कट्याल है और आज मैं यहाँ पे एक ऑनररी गेस्ट के रूप में आया हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट है जो यंगस्टर्स को एम्पावर करता है, मोटिवेट करता है और उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ दिखाने के लिए। तो मैं प्रियंका बहल और एम्पावर किड्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच।